हमेशा आगे रहने वाले नितिन गडकरी के जीवन पर आधारित फिल्म गडकरी जल्द ही दर्शकों के सामने आने वाली है। समाज कल्याण के लिए जुनूनी इस नेता के राजनीतिक सफर को बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन उनकी निजी जिंदगी और यंग एज भी उतना ही दिलचस्प है। एक तस्वीर 1000 शब्द से बढ़कर है। एक पूर्ण लंबाई वाली फीचर फिल्म के बारे में क्या ख्याल है? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के जीवन पर बनी फिल्म गडकरी 27 अक्टूबर को रिलीज हो रही है। ये फिल्म मराठी में बनाई गई है। इस फिल्म का पोस्टर भी सामने आया है। देश में महामार्गों को नया रूप देने वाले और भारत के हाईवे मैन के तौर पर पहचाने जाने वाले नितिन गडकरी के जीवन पर यह फिल्म बनाई गई है। बता दें कि बायोपिक की ये परंपरा नई नहीं है। पिछले कुछ सालों में कई राजनेताओं पर फिल्में बनी हैं और इस क्रम में अब केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के जीवन पर बनी फिल्म 70 मिलीमीटर के पर्दे पर आने वाली है। एक जीवित राजनेता के लिए सिल्वर स्क्रीन पर स्मारक बनाया जाना दुर्लभ है। यह अभी भी शीर्ष भारी भाजपा में दुर्लभ है, जहां इस तरह के सम्मान केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आरक्षित है। गडकरी फिल्म, जो खुद को केंद्रीय मंत्री के जीवन का यथार्थवादी चित्रण कहती है, अल्पज्ञात फिल्म निर्माता अनुराग राजन भूसारी द्वारा लिखित और निर्देशित है। राहुल चोपड़ा जहां गडकरी का किरदार निभा रहे हैं, वहीं ऐश्वर्या डोले उनकी पत्नी कंचन गडकरी के किरदार में है। इस फिल्म के जरिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के जीवन के अनछुए पहलू स्क्रीन पर दर्शकों को देखने को मिलेंगे। फिल्म में गडकरी का संघर्ष, जनसंघ से भाजपा तक की यात्रा, संघ के स्वयंसेवक के तौर पर उनका योगदान, राजनीतिक यात्रा, इन सभी बातों को फिल्म के माध्यम से दिखाया जाएगा।